यू वेरी वॉर्म वेलकम इन अवर शो मेलोडी मेकर, संगीत ही जिसकी पहचान है। और आज हमारे साथ हैं संगीत जगत के जाने माने प्रख्यात कलाकार मिस्टर दीक्षु शर्मा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। एंड आज सबसे पहले सर, जो एक संगीत का जो पूरा एक जर्नी होता है उसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका जो खुद का संगीत है वो कैसे प्रेरित हुआ या कौन मोटिवेशन हुआ, किस तरीके से आपने अपनी जर्नी की स्टार्टिंग की? एक्चुअली मैंने अपनी करियर बहुत देर से शुरू किया है, आफ्टर माय ग्रेजुएशन। मैंने 2005 में पहला एल्बम किया था जो RMC के तरफ से प्रोड्यूस किया गया था। और पलाश गोगोई, ग्रेट म्यूजिशियन, उसने म्यूजिक डायरेक्शन किया था इस एल्बम में। तो वो मेरा पहला एल्बम था। और उसी एल्बम का एक गाना जो बहुत ही पॉपुलर हुआ था, तुम्हें जो दिखवा बेलती आने दिम, तुम्हें जो दिखवा जुनती आने दिम, तो वो मेरा पहला स्टेप था टुवर्ड्स माय जर्नी। ओके, आपका जो मतलब एकदम फेवरेट सॉन्ग जो होता है, जो जिसने आपकी पूरी जर्नी में आपको बहुत इंस्पायर किया हो, जो सीधा कानों से दिल तक जाता हो, ऐसा कोई फेवरेट सॉन्ग आप हमारे व्यूअर्स के लिए जो है? एक्चुअली मैंने बहुत सारा गाना गाया है, तो उसके अंदर अगर एक बताऊं तो थोड़ा सा मुश्किल होता है ऐसे चुनने में। नाइंसाफी होता है, तो दो तीन या चार होगा मेरा ऐसा। मैं एक मेरा सॉन्ग है बारी खारे बोरो खुने, तो वो मेरा एक फेवरेट है। फिर और एक है बोरो खुने, बोरो खुन, तो ऐसा दो तीन है एक्चुअली। तो एक मैं कह नहीं सकता इसमें। हाँ, क्योंकि आप आपने क्रिएशन किया है, तो लाइक जो होती है ना माँ, ही कैन नॉट से, शी कैन नॉट से कि उसका खुद का फेवरेट बच्चा कौन सा है, ज्यादा प्यारा है, तो यू कैन नॉट। लेकिन फिर भी सर, हमारे व्यूअर्स के लिए कौन सा आज यहाँ पर आप गुनगुनाना चाहेंगे? मैं बारी खारे बोरो खुने तुम्हारा कथा है कोबो, ये थोड़ा सा गाना चाहूंगा। ओके सर, ठीक है सर। तो आज हमारे साथ हमारी म्यूजिकल टीम में है जीतू जी, वरुण दास जी, भाईटी जी, शंकर दास जी और साथ में दिगंतो बोनिका जी। কথা
दैट वॉज ऑसम परफॉर्मेंस एंड स्पीचलेस. मैं इतना ज़्यादा डूब गई थी आपके सॉन्ग में कि मैं अपने वर्ड्स ही भूल गई. थैंक यू सो मच. या आई फॉरगॉट एवरीथिंग कि हम लोग कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं. जस्ट ये था कि एक दूसरी दुनिया में. रोमांटिक सॉन्ग है और बहुत प्यारा गाना है, बहुत पॉपुलर भी हुआ. बहुत लोग बहुत पसंद करते हैं ये गाना. तो सर ऐसे कौन सा एक्सपीरियंस जिसने आपको अंदर तक झकझोर दिया कि आपको अब यही करना है, यही आपकी लाइफ है, यही आपका पाथ है और यही आपका डेडिकेशन. ऐसा क्या एक्सपीरियंस सर हमारे व्यूअर्स के साथ आप शेयर करना चाहेंगे? ऐसा बहुत सारा एक्सपीरियंस है मेरा. हम लोग जब शो करने जाते हैं, जब आफ्टर माई रिलीज ऑफ चैम्पियन, उसके बाद लोग मुझे पसंद करने लगे, तो उसके बाद शोज भी मिलने लगे हम लोगों को. तो जब करियर स्टार्ट किया था तो एक किसी वजह से एक ऑर्गेनाइजर्स लोगों ने जब मेरा जो आहोया गाना मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद, वो जो ब्लॉकबस्टर हुआ था तब हुआ नहीं था, तब मतलब उससे 2 साल पहले का बात है ये. तो एक प्रोग्राम करने के लिए गया था तो उन लोगों ने कुछ अजीब सी रिक्वेस्ट कर रखा था. तो ये गाना गाओ, वो गाना गाओ, ये अच्छा नहीं लग रहा था, वो अच्छा नहीं लग रहा था. तो मैं कंफ्यूज हो गया पूरा. मैं करूँ क्या? तब मैं नया भी था, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूँ. तो किसी तरह से प्रोग्राम ख़त्म किया, पैसा भी नहीं मिला. और उसके बाद एक आदमी ने आके बोला, मतलब धमकी दी, बहुत धमकी दी, मतलब स्ट्रेटनिंग दी, ये गाना नहीं गाएगा तो मतलब एकदम मारेंगे, मतलब ऐसा ऐसा हो गया. तो मैंने उसको बोला, मतलब किसी दूसरे का गाना गाने के लिए बोल रहा था तो मुझे आता नहीं था वो गाना. तो मैंने उसको बोला उस टाइम पे कि देखिए दादा, आपने मुझे बहुत बुरी तरह से बोला है, लेकिन आप भी एक बात याद रखिएगा, एक दिन मेरा गाना ही सुनेंगे आप लोग भी. एक दिन ऐसा टाइम आएगा आप मेरे गाना सुनेंगे. तो उसके ठीक 2 साल बाद आहोया मेरा ये गाना हिट हो गया, मतलब सुपर डुपर हिट हो गया. तो तब उस आदमी ने मुझे एक दिन फ़ोन किया कि भाई तुम्हें याद है कि नहीं पता नहीं, मैंने तुमको ऐसे बोला था. मैं वो कैसे मैं भूल सकता हूँ, मुझे याद है. तो मैं उसके लिए सॉरी बोलना चाहता हूँ. और तुमने जो चैलेंज दिया था मुझे उसमें तुम खड़े उतरे. तो आई सैल्यूट यू एंड आई ब्लेस यू, तुम्हारा अच्छा हो. तो वो मुझे बहुत पॉजिटिव लगा उस आदमी का. तो उसका गच मुझे मतलब अच्छा लगा. वो बात ने मुझे बहुत इंस्पिरेशन इंस्पायर किया था मुझे. तो ठीक है, मैंने जो मन में सोचा था कि काम अच्छा करना चाहिए तब फल तो मिलना ही है आगे जाके, तो वो मेरा बेस्ट पार्ट है. बेस्ट पार्ट है यानी कि सर आपने एक अभिशाप को वरदान बना दिया, लाइक कर्स को आपने एक पूरा उसको चेंज कर दिया. भगवान ने भी मेरी तरफ आंख उठा के तो थोड़ा सा देख लिया. और वर्स्ट थिंग वही था. इसके पहले वाला वर्स्ट था, उसके बाद वाला अच्छा था. तो एक प्रोग्राम में दोनों हो गया, मतलब दोनों एक प्रोग्राम में, मतलब आपको दोनों सुनने को मिल गया. दोनों सुनने को मिल. सर यहाँ तक जैसे जो आपने भी एक्सपीरियंस, जो जर्नी, जो सब कुछ देखा, तो लाइक अभी भी एज ए सिंगर या एज ए संगीतकार, जिसे कहते हैं ना, एक भूख होती है, एक हंगरनेस कि अच्छा मुझे ये करना चाहिए तो मैं और अच्छा कर लेता, या ये मेरा आइडियल है, इसने ऐसा किया है तो मुझे भी ऐसा ही करना चाहिए, एक रोल मॉडल होता है. एंड आई थिंक सभी जितने भी आर्टिस्ट हैं उनका सपना होता है बॉलीवुड. तो आप बॉलीवुड से ऐसा कौन सा रोल मॉडल है जिसे आप चुनना चाहते हो और बनना चाहते हो कि हाँ मुझे भी लाइक ऐसी जर्नी और ये मेरा पूरा यहाँ तक मुझे ऐसे पहुँचना है, तो ऐसा कौन मैं सा सर? जब छोटा था तो किशोर कुमार का गाना बहुत सुनता था. तो किशोर कुमार का गाना इसलिए पसंद है क्योंकि वो बहुत मैनली है. उनका कोई सॉन्ग आज यहाँ पर आप हमारे व्यूअर्स के लिए, जो हमें देख रहे हैं, जो हमें सुन रहे हैं, उनके लिए, किशोर दा के लिए सर कुछ गुनगुनाइए. जरूर सर. एक गाना है, पल पल दिल के पास. ओह ग्रेट, तुम रहती हो. या वो गाना मुझे बहुत पसंद है. यस, मुझे भी बहुत. वो मैं गाना चाहूंगा. यस यस. Oh,
ये कहती हो पल पल दिल के पास तुम रहती हो पल पल दिल के पास तुम रहती हो जस्ट स्पीचलेस परफॉर्मेंस और मैं क्या कहूँ, सिर्फ इतना ही कहूँगी, एक बार एक मुशायरे में थी तो एक बहुत बड़े पोइट ने अपनी एक नज़्म सुनाई तो एक जो जो उसे अप्रिशिएट जो गुरु थे वहाँ पे मेन, उन्होंने बस उनसे यही कहा कि आपने इतना अच्छा किया कि मैं दाद देना भूल गया. सेम हेयर, तो उन्होंने पलट के कहा कि कोई दाद देना भूल जाए इससे बड़ी दाद क्या होगी. तो सर आप यहाँ पर उस म्यूज़िकल मोमेंट को जो आपकी लाइफ में हुआ जिसने आपको बताया कि आप संगीत के लिए दुनिया में आए हो, मतलब वो कौन सा मोमेंट जो आप, मतलब संगीत को किस तरीके से आपने अपनी लाइफ के अंदर में पूरा कि अब हम संगीत के लिए जिएंगे सिर्फ ओनली फॉर म्यूजिक. ये एक्चुअली मैं जब ग्रेजुएशन कर रहा था तब तक मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं सिंगर बनूंगा या ऐसा कोई प्लान नहीं था. मैंने तबला सीखा था क्लास 7 में. तो उसके बाद ऐसा कोई प्लान नहीं था कि संगीत में आऊँगा, सिंगर गाना गाऊँगा. लेकिन मेरे फैमिली में मेरे पिताजी म्यूजिक डायरेक्टर थे और मम्मी भी डांस करते थे, तो एक माहौल में कॉम्बिनेशन जब चाइल्डहुड से मुझे मिलता आ रहा था. तो एक अंदर था चीज, वो शायद जब ग्रेजुएशन के लास्ट पार्ट तक पहुंचा तब मुझे ऐसा लगने लगा धीरे धीरे, और दो सपना भी आने लगा था मुझे एक्चुअली. तो मैं कहीं गा रहा था और लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे थे, तालियां बजा रहे थे. तो तब से ये धीरे धीरे करके मेरे मन में शुरू होने लगा. और जब मैं चिल्ला चिल्ला के गाना गाता था घर में बाथरूम में, तो बाथरूम सिंगर तब पास के एक भैया थे जो जिसने मुझे बताया कि तुम गाना गाना चाहते हो क्या. मुझे हाँ मन तो है अभी, क्या करूँ, लेकिन किसी को पहचानता भी नहीं हूँ. तो मेरा एक भैया है जिसने ये म्यूजिक व्यूजिक करते हैं, तो मैं उसके पास तुमको भेजूंगा, लेकिन तुम पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लो. तो मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और जो एग्ज़ाम दे के आया घर में, तो अगले दिन मैं म्यूजिक डायरेक्टर को ये मिलने के लिए चला गया. तभी से मेरा ये जर्नी शुरू हुआ, मतलब तब धीरे धीरे मैं गहराई तक जाने लगा और मन में कॉन्फिडेंस आने लगा कि शायद मैं गाना गा पाऊंगा. और जब मैंने ये एल्बम के लिए रिकॉर्ड किया चैंपियन, उसके बाद लोगों ने जब पसंद किया तो मैंने फिर दूसरा नहीं सोचा कि कुछ और करना है लाइफ में, कुछ नहीं, वो नहीं सोचा, म्यूजिक ही करना है अभी मुझे, क्योंकि वो एक अंदर से इंस्पिरेशन कहते हैं ना भगवान का, जो यू कैन कॉल डेस्टिनी. डेस्टिनी, या यू कैन से डेस्टिनी. तो जो होना होता है वो तो होके रहता है. यस सर, बिल्कुल सर. इसके अलावा दीक्षु जी, आप संगीत को कैसे डिस्क्राइब करोगे, मतलब म्यूजिक क्या है, व्हाट इज म्यूजिक, अगर हमारे व्यूअर्स जानना चाहें कि म्यूजिक क्या है, रिदम क्या है, मूवमेंट क्या है. वो थियोरेटिकली मैं बताना नहीं चाहूंगा. यस यस, मेरे लिए म्यूजिक है मेरा मेंटल पीस. ओके, मेरा रोजी रोटी. ओके, मेरा इंस्पिरेशन. ओके, मैं अपने आप को म्यूजिक में महसूस कर सकता हूँ, दूसरे चीजों में नहीं. तो मेरे लिए म्यूजिक मतलब मेरा एक साया है मेरा. अच्छा, म्यूजिक सर एक अखोमिया सॉन्ग जो आपको बहुत टचिंग है कि लाइक, एक तो आपने सुनाई थी हमारे व्यूअर्स के लिए, एक और जो, मतलब ठीक है आपका सारे फेवरेट ही हैं, लेकिन फिर भी जो आप, मैं एक गाना सुनाऊंगा अभी जो मैंने आपको बोला कि 2009 में जो मेरा ब्लॉकबस्टर हुआ था. ओके, जो इंसिडेंट वाला. ओके ग्रेट, तो मैं वो गाना सुनाना चाहूंगा. यस यस यस, यू वेलकम. फोक है. ओके, ये फोक से मैंने थोड़ा सा फोक लेके थोड़ा सा कंपोजिशन करके एक अलग टेस्ट देने का मेरा ये था. अलग टेस्ट दिया था मैं लोगों को, और लैंग्वेज भी थोड़ा सा अलग था, जो कोलोकियल लैंग्वेज है लोअर असम का. तो वो मैं हम लोगों ने यूज किया था इस गाने में. ग्रेट ग्रेट, मतलब सीधा दिल तक जाएगा हमारे. ये थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट था, लोगों को पसंद आया ये एक्सपेरिमेंट. ग्रेट, तो अच्छा है, आई होप हमारे व्यूअर्स बहुत एंजॉय करेंगे. Hey, 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 hey.
कांधत नागलो आहो या खोर सिंबागलो गी हातो ती ताबलो ए आहो या खेती कुरबागलो गी कांधत नागलो आहो या खोर सिंबागलो गी हातो ती ताबलो ओ दिने राती केनगे खाईसा खेंदे कोरा खेती भाई हाथेंदे कोरा खेती पंजाब देखो रुदा होरो ना मिलो बानो रुने किया हो या खेती कोर बाग लोगी कांधत ना गालों आहो या खोर सिन बाग लोगी हाथो की ताबलों মিলি জুলিয়া ও কইধা পাডুয়া সুকু মেলিসা ও যাকে যাকে জেওরা বাঙি খাবাই সিধান ও হুলা পাডিয়ান হেলাইরি জাতি তু বান্ধু পেরি পেরিয়া হইয়া এটি করবাক লগি কান্ধত নাগাল আগইয়া খোর সিনবাক লগি হাত কিতাব লং এ আগইয়া কীর্তি করবাক লগি কান্ধত নাগাল লং আগইয়া খোর সিনবাক লগি হাত কিতাব লং স্যার থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর দিস ওয়ান্ডারফুল সং অ্যান্ড बहुत अच्छा था सर, एक पे एक 11 कह सकते हैं. और तो सर अब यहाँ तक जो हमने जो कुछ भी अभी तक आपने सब बताया और हम लोगों ने सुना सर, इसके बाद एक जो लास्ट मेरा जो एक मेरे दिल से एक आ रहा है कि मैं आपसे बात पूछूँ, मुझे नहीं पता कि आपको कैसा, लेकिन सर जैसे आप अपने आने वाले, जैसे हम लोग इंडियन मैथोलॉजिकल में हिंदू मैथोलॉजिकल को बिलीव करते हैं, आप अपने आने वाले जो जन्म, जैसे मानते हैं ना कि हमारे जन्म होते हैं 7 जन्म, आप हम उसमें क्या बनना चाहोगे? देन मैं सिंगर ही बनना चाहूंगा. ओके मतलब जब भी आप जन्म लेना चाहोगे, हाँ. आप हर जन्म में आप सिंगर ही बनना चाहोगे? सिंगर ही बनना चाहूंगा. देन मतलब आपकी शुरू से लेकर जो एक पूरी लास्ट तक जितने भी होते हैं उसमें सिर्फ सिंगिंग सिंगिंग सिंगिंग. ओके तो यही मेरा जिंदगी है. ओके तो इसमें मैं खुश हूँ. ओके तो मुझे यही जिंदगी चाहिए. ओके बार बार सर एक और चीज मैं आपकी पूछना चाहूंगी. कहते हैं ना कि जब कोई बहुत टूटता है तो वो एक महान सिंगर हो जाता है या एक महान राइटर हो जाता है या एक महान पोइट हो जाता है. तो लाइफ में एक जैसे होता है ना, किसी हर एक की लाइफ में एक लड़की आती है या उस वो उसको छोड़ के या कुछ हुआ, दर्द आ गया लाइफ में, तो उस दर्द ने उसको महान बना दिया. इट्स क्रिएट मतलब एक पूरा क्रिएशन आ गया. तो ऐसा कुछ सर हमारे व्यूअर्स के साथ? मेरा उल्टा है. ओके इससे उल्टा है मेरा. अच्छा तब जब मैंने म्यूजिक करियर स्टार्ट किया था, तब मेरा जो अभी पत्नी है मैं, तो मेरा फ्रेंड फ्रेंड हुआ करता करती थी, तो उसने मुझे बहुत इंस्पायर किया लाइफ में. और ये 100% है कि अगर वो नहीं होता तो मैं शायद म्यूजिक में नहीं होता. म्यूजिक में हाँ. मेरा उल्टा हो गया. ओके ग्रेट. लेकिन सर वो उसका होना भी मतलब एक आगे चलने के लिए और अच्छा मोटिवेशन, मतलब आपका मोटिवेशन आपकी लाइफ में आपके सामने है. दैट्स ग्रेट. दैट्स अभी भी हर रोज मेरा कैरेक्टर ऐसा है, पुश करना पड़ता है मुझे. ओके मतलब उठो 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 जाओ ये करो ये करो. हां नहीं कहीं पे काम पे भी या जो भी होता है तो मुझे एनी टाइम आई नीड ए पुश. हां तो मैम आपको हमेशा ये काम वो करती है, वो पूरा एकदम मतलब पूरा उठो जाओ रियाज करो. और इनबॉर्न जो एक होता था वो शायद मुझे पिताजी या मम्मी से मिला, जिसको बाद में साफ ये करके अच्छा तैयार किया. ओके मतलब पहले ही से आपका प्लेटफॉर्म था, बस उसमें थोड़ी फिनिशिंग डाल दी. हाँ. बस और दो आदमी का नाम तो मुझे लेना ही पड़ेगा, एक था एक पलाश गोगोई और एक मनोज शर्मा. तो वो दोनों मेरे करियर में मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे कहते हैं मील का पत्थर साबित होना. हाँ राइट. बहुत like पहले जो स्टार्ट किया था तो पलाश दा और मनोज दा ने बहुत मतलब
उन लोगों से बहुत सीखने को मिला एक्चुअली, अच्छा, ये तो दोनों वही बहुत आपके इम्पोर्टेंट हैं मतलब गुरु और जी। पूरा मोटिवेटर सब कुछ। तो सर एक लास्ट गुजारिश है सर हमारे हाँ व्यूअर्स के साइड से, और मैं उनके साइड से बताऊंगी आपको सर, एक हिंदी का एक लास्ट सॉन्ग जो आप जी हमारे व्यूअर्स के लिए, हम सब के लिए गुनगुनाना चाहेंगे जरूर। एक। हाँ तो तो ठीक है, हमें कहीं पे जाके ऐसा लगता है ना जी कि सर, ये पल जिंदगी भर याद रहे, यस, कभी नहीं भूलेंगे। कभी नहीं बोलना, तो ऐसा एक गाना है यस, के ने गाया था, हम रहे या ना रहे कल। ग्रेट ग्रेट। रहे या ना रहे कल, कल याद आएंगे ये पल, ये है प्यार के पल, चल आ मेरे संग चल, चल सोचे क्या छोटी सी है जिंदगी, कल मिल जाए तो होगी खुश नसीबी, मच दीक्षु जी यहाँ मिस्टर। आने के थैंक लिए, यू, हमें इतना ज़्यादा एंटरटेन करने के लिए। थैंक्स टू यू टू। यस, आज हम इस गाने के साथ आपसे यही विदा लेते हैं, जी और थैंक यू व्यूअर्स हमें सुनने के लिए। मेलोडी मेकर, संगीत ही जिसकी पहचान है, और हम अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में किसी संगीत जगत की एक बड़ी हस्ती, एक नई हस्ती के साथ फिर हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच, टिल देन बाय।